हेलो स्टूडेंट्स, प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम REET एग्जाम यानी रिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज से हम रोजाना 20 क्वेश्चंस के द्वारा रिट एग्जाम की डेली प्रैक्टिस करेंगे। रिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के सारे प्रश्न और व्याख्याएं प्रभात एग्जाम द्वारा लिखी गई पुस्तकों से ली गई हैं। रिट एग्जाम से संबंधित अधिक प्रश्नों के अभ्यास के लिए आप इन पुस्तकों को Amazon या Flipkart से खरीद भी सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक अधिकम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है ए डिसलेक्सिया, बी डिसकैलकुलिया, सी डिसग्राफिया, डी ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार। सही जवाब है सी डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 2, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? ए विश्लेषणात्मक बुद्धि, बी रचनात्मक बुद्धि, सी प्रकृतिवादी कौशल, डी व्यवहारिक बुद्धि। सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 3, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को - नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। ए सर्वाधिक समय, बी पूरा समय, सी कुछ समय, डी किसी समय नहीं। सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस वाक्य का प्रकार है ए संदेहवाचक, बी विस्मयादि बोधक, सी संकेतार्थक, डी प्रश्नवाचक। सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, फल को खूब पका होना चाहिए। इस वाक्य में अशुद्धि है ए वचन संबंधी, बी पदक्रम संबंधी, डी कारक संबंधी, डी लिंग संबंधी। सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 6, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिए। ए राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, बी उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, सी वह अपनी मां की आंख का चांद है, डी तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 7, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है ए मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी आश्रित उपवाक्य, डी प्रधान वाक्य। सही उत्तर है बी।
क्वेश्चन नंबर 8, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का सही अर्थ है ए अयोग्य प्रशासन, बी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, सी बुद्धिहीन किंतु संपन्न, डी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 9, द वेडिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल दिसंबर, प्रेजल वर्ब पुट ऑफ हियर मींस ए पोस्टपोन, बी कैंसल्ड, सी फिक्स्ड अप, डी ब्राउट फॉरवर्ड। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, एन एलेजी इज अ पोयम रिटन ए टू सेलिब्रेट एन ओकेजन, बी इन द प्रेज ऑफ गॉड, सी टू गिव एक्सप्रेशन टू आवर लव फॉर समवन, डी इन आवर मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड। राइट आंसर इज डी। एन एलेजी इज अ सेट पोयम। क्वेश्चन नंबर 11, अ सनेट कंटेन्स ए 16 लाइंस, बी 14 लाइंस, सी 12 लाइंस, डी 10 लाइंस। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12, The correct order to teach language skill is A. Speaking, listening, writing, reading. B. Speaking, writing, listening, reading. C. Listening, speaking, reading, writing. And D. Listening, reading, speaking, writing. The right answer is C. Question number 13. A healthy approach to a language learner errors requires that the teacher should A. Condemn the error, B. Look upon the errors as a feedback to the teacher, C. Punish the learners for their errors, D. Completely ignore the errors. The right answer is क्वेश्चन नंबर 14, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है ए 25%, बी 30%, सी 35%, डी 40%। सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर 10 में 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है, वह 11 में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ बराबर है ए 10%, बी 11%, सी 20%, डी 21%। सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 16,
श्रीमान एक्स के पास 55,600 हैं। उन्होंने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। फिर उन्होंने 57,986 एक संस्था को दान दिए। पुनः उन्होंने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब श्रीमान एक्स के पास धन बराबर हैं ए 128,938, बी 129,838, सी 128,948, डी 129,843। सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 17। 60, 105 और 135 छात्रों वाले तीन विषय क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता बराबर है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ए गोडावन, बी मोर, सी गिद्ध, डी सारस। सही जवाब है ए गोंडावन। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली, बी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, सी भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयंबटूर, डी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ए बेंगलुरु, बी मैसूर, सी श्रीनगर, 4 मासिनराम। सही जवाब है डी मासिनराम। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। आशा है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की उपयोगी जानकारी पूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें।